11th क्लास मैथ के पार्ट 6 वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 13 को हल करेंगे। अनुक्रम तथा श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि A1 बराबर A2 बराबर 2 तथा AN बराबर AN माइनस 1 माइनस 1 जहाँ N बड़ा है 2 से के प्रथम 5 पद लिखिए तथा श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हमारा पहला पद A1 और दूसरा पद A2 दोनों बराबर है, दोनों का मान 2 है तथा Nवां पद भी दिया गया है। अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि जिस अनुक्रम का Nवां पद दिया गया है तथा 2 पद दिया गया है जिसका मान 2 है उस अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखिए, जिसमें से 2 पद तो हमें प्रश्न ही दे दिया है, पहला पद और दूसरा पद 2 है, शेष 3 पद हमें निकालना है। फिर एक शर्त है, कह रहा है कि Nवें पद में N का मान 2 से बड़ा रख करके हल करना है। ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि N का मान यदि यहाँ 2 रखेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, जबकि दूसरा पद हमें दिया गया है और पहला पद भी दिया गया है, इसलिए N का मान 2 से ज़्यादा रखना है, क्योंकि पहला पद और दूसरा पद दिया गया है, यदि 2 रखेंगे तो दूसरा पद ही निकलेगा जबकि दूसरा पद दिया गया है, अतः N का मान 2 से ज़्यादा रखेंगे यानी 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 पद लिखना है तो N की जगह पर 5 लिखेंगे तो हमारा तीसरा चौथा पांचवां पद निकलेगा, दूसरा 2 पद दिया गया है। आइए N का मान, N का मान 2 से बड़ा, 2 से बड़ा रखने के लिए बोल रहा है, 3 रखते हैं इस Nवें पद में, जब N का मान 3 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A3 बराबर A3 माइनस 1 A-1, इसको हल करेंगे तो A3 माइनस 1 A2 हो जाएगा माइनस 1, A2 का मान हमें दिया गया है प्रश्न में 2, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर, लिख दे रहे हैं 2 में से गया 1, तीसरा पद हो गया 1। इसी तरह N का मान यदि 4 रखते हैं तो N की जगह पर A4 हो जाएगा बराबर An-1, An की जगह पर 4-1-1 बराबर A4-1 3, A-1 है तो -1 बराबर A3 का मान हमें यहाँ से मिल गया है 1, A-1 है तो -1 बराबर 0। फिर N का मान 5 रखें N की जगह पर A5 हो जाएगा बराबर An-1 यानी A5-1-1 बराबर A5-1, A4 हो जाएगा -1 बराबर A4 का मान हमें यहाँ पता है 0, -1 है तो -1 बराबर -1। प्रश्न हमारा 5 पद लिखने को बोल रहा था जिसमें से पहला पद और दूसरा पद दे दिया गया है, तीसरा पद हम लोग निकाले हैं, चौथा पद हम लोग निकाले हैं और पांचवा पद भी निकाले हैं, टोटल हमारा 5 पद हुआ, 2 पद यहाँ और 3 पद यहाँ लिखेंगे। अतः प्रथम पांच पद
पहला और दूसरा पद तो दो दो रहेगा, दो और दो, क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया है। तीसरा पद हमारा आया है 3 = 1, चौथा पद आया है 0, और पांचवा पद 5 = आया है -1। इसके अनुसार हमारा ये हुआ। फिर प्रश्न कह रहा है कि जो प्रथम 5 पद हम निकाले हैं उसको श्रेणी के रूप में भी लिखिए, श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। श्रेणी के रूप में कैसे लिखा जाता है? अतः श्रेणी, इसके लिए कुछ नहीं करना है। जितना पद हमें निकला है प्रत्येक 2 पदों के बीच प्लस का साइन लगा देंगे तो हमारा श्रेणी बन जाएगा। जैसे पहला पद 2, दूसरा पद 2, दोनों पदों के बीच में प्लस का साइन, फिर 2, फिर तीसरा पद 1 है, फिर दूसरा और तीसरा के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे 1, फिर तीसरा और चौथा पद के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे और चौथा पद लिख देंगे 0, फिर चौथा और पांचवा पद के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, पांचवा पद है -1, तो -1 लिख देंगे। इसको और सॉल्व करें तो ये हमारा बनेगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ये हमारा आंसर है। प्रश्न 14 कह रहा है कि फिबोनैसी अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। इस रूप में परिभाषित है 1 = a1 = a2। कहने का मतलब है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों बराबर है। पहला पद और दूसरा पद का मान क्या है? तो 1 दिया है। तथा an = an-1 + an-2, जहाँ n बड़ा है 2 से। अभी तक हम लोग जितना प्रश्न हल किए उसमें 1 n-वां पद देता था, लेकिन यहाँ 2 n-वां पद दे रहा है। कहने का मतलब यह है यहाँ an = an-वां पद दिया गया है, an = an-1 + an-2, इसमें n का मान 2 से बड़ा रख करके हल करना है। अब रही बात कि n का मान 2 से बड़ा तो रखना है, लेकिन कितना रखें? कम से कम 2 से बड़ा तो 3 हुआ, इसके बाद 4, 5, 6, 7, कितना n का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखें, तो यहाँ हमें पता चलेगा। यहाँ दिया है an + 1 / an। जब हम यहाँ से n का मान 2 से बड़ा रख करके हल करेंगे, जैसे n का मान 3 रखेंगे तो हमारे इस n-वां पद का तीसरा n-वां पद दिया गया है, इसमें n का मान 3 रखेंगे तो जिस अनुक्रम का ये n-वां पद दिया गया है उस अनुक्रम का तीसरा पद निकलेगा। जब n का मान 4 रखेंगे तो इस n-वें पद के सहारा उस अनुक्रम का चौथा पद निकलेगा। अब यहाँ से जो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकलेगा उसका मान, जैसे मान लीजिए यहाँ तीसरा पद हमारा निकल गया, जो भी आए वो तीसरा पद का मान यहाँ हम रखेंगे। कब? यहाँ बोल रहा है कि an + 1 / an ज्ञात कीजिए, जबकि n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखना है। जब हम इसमें n का मान मान लीजिए यहाँ 1 रखेंगे तो an + 1 जो है ये क्या हो जाएगा, a1 + 1 यानी a2। हमें a2 का मान चाहिए, तो a2 का मान हम कहाँ से लेंगे? इस n-वें पद में जिस अनुक्रम का ये n-वां पद दिया गया है उस अनुक्रम के दूसरा पद a2 का मान जो होगा वही मान यहाँ जब a2 हमारा आएगा तो रखेंगे। आगे क्लियर होगा, आइए देखते हैं। हमारा n-वां पद दिया गया है an = an-1 + an-2,
जबकि जिस अनुक्रम का ये एनवा पद दिया गया है उस अनुक्रम का पहला पद तथा दूसरा पद का मान एक प्रश्न दे रखा है। फिर कह रहा है कि इस एनवे पद में एन का मान दो से ज्यादा रख करके इस अनुक्रम का के अन्य पदों का मान भी निकालिए। एन का मान दो से ज्यादा रखना है, ठीक है। आइए, तीन का मान दो से ज्यादा रखने के लिए बोल रहा है, तो दो से ज्यादा तीन रख के देखते हैं इस एनवे पद में। तो हमारा हो जाएगा ए थ्री बराबर ए एन माइनस वन, यानी ए थ्री माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, यानी थ्री माइनस दो। ये हो जाएगा ए थ्री माइनस वन यानी ए टू प्लस ए थ्री माइनस टू ए वन। ए टू और ए वन का मान यहाँ दिया है, ए टू का मान भी दो एक है और ए वन का मान भी एक है। ए टू के जगह पर भी एक रखेंगे, प्लस ए टू प्लस, और ए वन के जगह पर भी एक रखेंगे। वन प्लस वन हमारा हो गया दो, इसका मतलब ए थ्री बराबर कितना आया, दो। कहने का मतलब है जिस अनुक्रम का ए नवा पद दिया गया है तथा पहला पद और दूसरा पद दिया गया है उस अनुक्रम का तीसरा पद हमारा आया दो। इसी प्रकार एन का मान चार रखेंगे इस एनवे पद में, हमारा हो जाएगा ए फोर बराबर ए एन माइनस वन, यानी ए फोर माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, एन के जगह पर फोर माइनस दो है तो माइनस दो, बराबर ए फोर माइनस वन ए थ्री हो जाएगा प्लस ए फोर माइनस टू ए टू हो जाएगा। ये ए फोर हुआ, यहाँ भी ए फोर। अब यहाँ ए थ्री और ए टू का मान रख देंगे तो हमारा ए फोर का मान निकल जाएगा। ए टू का मान हमारे प्रश्न में दिया है वन और ए थ्री का मान हमारा आया है दो, ए थ्री का मान रखेंगे दो प्लस ए टू का मान है वन, वन रख देंगे, दो प्लस एक थ्री, इसलिए ए फोर बराबर क्या हुआ, थ्री। इसी प्रकार एन का मान यदि हम पाँच रखते हैं इस एनवे पद में, ए फाइव बराबर ए फाइव माइनस वन प्लस ए फाइव माइनस दो। ए फाइव बराबर हो जाएगा ए फाइव माइनस वन, यानी ए फोर प्लस ए फाइव माइनस टू हो जाएगा ए थ्री। अब यहाँ ए फोर और ए थ्री का मान हम रखेंगे, यहाँ से ए फोर का मान आया है थ्री प्लस ए टू प्लस, और ए थ्री का मान आया है दो, बराबर हो जाएगा तीन प्लस दो पाँच, इसलिए ए फाइव का मान हमारा आया पाँच। पहला पद दूसरा पद तो दिया है, तीसरा पद हम लोग निकाल लिए, चौथा पद निकाल लिए, पांचवा पद निकाल लिए, इसी तरह कितना पद तक निकालेंगे ये यहाँ इस पे निर्भर करता है। जैसे इसको हल करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, हमें ए एन प्लस वन बाई ए एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ तो एनवा पद दिया गया था, इसमें बोल रहा है प्रश्न कि एन का मान दो से बड़ा रख करके हल कीजिए, हम लोग यहाँ तक हल किए। तो जिस अनुक्रम का एनवा पद दिया गया है उस अनुक्रम के पांच पद हम निकाल लिए। इसी प्रकार यदि एन का मान छः रखेंगे तो छठवां पद भी निकलेगा, लेकिन कितना पद निकालने की ज़रूरत है इसको हल करेंगे तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। ए एन प्लस वन बाई ए एन का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है
फिर ये कह रहा है कि एन का मान 1, 2, 3, 4, 5, इसमें एन के जगह पर बारी बारी से एक बार एक रख के हल करना है, एक बार दो रख के हल करना है, एक बार तीन रख के हल करना है, एक बार चार रख के हल करना है, एक बार पांच रख के हल करना है। तो आइए प्रश्न हमारा कह रहा है an+1 / an ज्ञात कीजिए, जहाँ n बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। बारी बारी से n का मान एक बार एक रख के हल करना है, एक बार दो रख के हल करना है, एक बार तीन रख के हल करना है, एक बार चार रख के हल करना है और एक बार पांच रख के हल करना है। आइए करते हैं, n का मान 1 रख के हल करें इसमें, तो ए एन है, एन की जगह पर 1 हो जाएगा, a1+1/an बराबर हमारा क्या आया, यहाँ ए वन है, यहाँ भी ए वन है। अब ए वन का मान कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो एन का मान दिया गया है, ए वन का मान तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ जो ए वन आया है इस ए वन का मान यहाँ से हम लोग रखेंगे। यहाँ देखेंगे कि ए वन का मान कितना है, ए वन बराबर 1 है, ए वन की जगह पर 1 हो जाएगा प्लस 1 बटे में ए वन है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 1+1 = 2 बटे में 1, आंसर हमारा ये हुआ। पुनः एन का मान 2 रखेंगे, बोल रहा है कि इसमें एन का मान एक बार एक रख के हल करना है, एक बार दो रख करके बारी बारी से 5 तक रखना है, एन का मान 2 रख के हल करते हैं इसमें, ए एन प्लस 1 है यानी a2+1 बटा में ए एन यानी a2 बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे दिया है an+1, ऐसा नहीं कि an+1 नहीं है, an+1 है, यहाँ a1+1 तो ये हमारा हो जाएगा a2 by a1। a2 का मान यहाँ से रखेंगे तो 1 है और नीचे a1 है तो a1 का मान भी 1 है, इसका मतलब 1/1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1, एक आंसर ये हुआ। और यहाँ an+1 तो n की जगह पर 2, तो a+1 हो जाएगा, तो a2+1 a3 हो जाएगा / a2। अब यहाँ से a2 का मान रख देंगे और यहाँ से a3 का मान रख देंगे, a3 का मान हमारा आया है 2 बटे में a2 का मान 1, ये कैंसर हुआ 2। इसी प्रकार n का मान 3 रखेंगे इसमें, ये हो जाएगा an+1 है, इसका मतलब a3+1/an है तो a3 हो जाएगा, इसको हल करेंगे a3+1 a4 हो जाएगा / a3। a4 का मान हमें यहाँ से रखना है, a4 बराबर कितना आया है 3 बटे में a3 का मान यहाँ से 2, एक आंसर मेरा ये है। इसी प्रकार n का मान 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा a4+1/a4, इसको हल करेंगे तो a4+1 = 5 हो जाएगा बटे में a4। अब यहाँ से a5 का मान रख देंगे और a4 का मान रख देंगे, a5 बराबर आया है 5 बटे में a4 का मान आया है 3, एक आंसर मेरा ये हुआ। इसी प्रकार
इन कमान पाँच रखेंगे, क्योंकि इन कमान पाँच तक रखने के लिए बोल रहा है। इन कमान पाँच रखे तो ये हो जाएगा ए फाइव। इन कमान फोर रखेंगे ये हमारा हो जाएगा ए फोर प्लस वन बाई ए फोर, ये हो जाएगा ए फोर प्लस वन ए फाइव बाई ए फोर। अब यहाँ से ए फाइव कमान और ए फोर कमान रखेंगे, ए फाइव कमान पाँच आया है बटे में ए फोर कमान थ्री आया है, ये आंसर हुआ। इसी प्रकार एन कमान पाँच रखेंगे, यहाँ हो जाएगा ए फाइव प्लस वन बाई ए फाइव, ये हो जाएगा ए फाइव प्लस वन ए सिक्स बटे में ए फाइव। अब देखें यहाँ ए फाइव कमान तो यहाँ से रख देंगे, ए सिक्स कमान तो अभी हमें मिला नहीं है, तो इसका मतलब जो हमें एन कमान इसमें इस जो एनवा पद दिया गया था इसमें एन कमान पाँच तक रख के तो हल किए थे, लेकिन हमें ए सिक्स चाहिए, इसका मतलब इसमें एन कमान छः भी रख के हल करना होगा, यहीं पे कर लेते हैं। एन बराबर छः रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ए सिक्स, यहाँ कर देते हैं एन बराबर छः रखने पर हो जाएगा ए सिक्स माइनस वन, ए सिक्स माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू, ए सिक्स माइनस टू, इसको हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इन का मान छः यहाँ रखेंगे तो हमारा आएगा ए सिक्स बराबर ए सिक्स माइनस वन, ए सिक्स माइनस वन प्लस ए सिक्स माइनस दो बराबर क्या होगा ए सिक्स माइनस वन ए फाइव हो जाएगा प्लस ए सिक्स माइनस टू ए फोर हो जाएगा। अब हमें यहाँ से ए फाइव का मान और यहाँ से ए फोर का मान पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए फाइव का मान पाँच प्लस ए फोर का मान थ्री, आठ हो गया। इसका मतलब ए सिक्स का मान हमारा आया आठ। अब हमें ए सिक्स का मान चाहिए था जो कि यहाँ मिल गया, यहाँ ए सिक्स की जगह पर आठ बटे में ए फाइव का मान रखेंगे तो ए फाइव का मान आया है। अरे ये आंसर हुआ।